वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सायन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहां पे स्टडी करने वाले कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी में कैसा ट्रेड पैन हो सकता है। अगर आप वीकली प्लेयर हो तो कैसा आपका माइंड सेट होना चाहिए, कहां पे एंट्री होना चाहिए, कौन से लेवल के ऊपर बाय एंट्री हो सकता है, कौन से लेवल के नीचे सेल एंट्री हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको अपने वॉच लिस्ट में रखने की कोशिश करेंगे, जहां पे मोमेंटम आने के चांसेस बहुत हाई है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी को देख सकते हैं आप वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी ने हाँ बहुत अच्छा सा ब्रेकआउट यहाँ पे दे रखा है। वी कैन सी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, फिर स्लो एंड स्टडी ये हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया। अभी रिसेंट जो हाई मार्केट ने बनाया दैट इज 19,200 के आसपास। अब जो कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे दिया, देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी इट माइट कंटिन्यू एंड मार्केट माइट गो एंड टच द 19,500 लेवल, 19,750 एंड फाइनल टारगेट विल बी अराउंड 20,000 लेवल। ये पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नेक्स्ट एक दो दिन में चला जाएगा। स्लो एंड स्टडी मार्केट जा सकता है विद इन नेक्स्ट मंथ या विद इन 1 to 2 months, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहीं पे अगर हमें अपना प्लानिंग करना है, अगर हमें वीकली प्लान करना है तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी को मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन किया, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद भी एक भी रिट्रेस नहीं हुआ, तो बेस्ट केस सिनेरियो हम एक थोड़ा सा वेट कर जाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो वेट किस चीज का होगा कि मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग है। अब सेलिंग मतलब यही नहीं कि टॉप से सेल करना, ना मैं इस चीज का प्लानिंग नहीं कर रहा। आई एम प्लानिंग कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, इस लेवल से थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, काइंड ऑफ यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट अगर मार्केट ले ले, फिर यहां से अगर मार्केट ऊपर जाएगा देन वी कैन मेक अ गुड बुलिश मोमेंटम ट्रेड। बाइंग का भी सिनेरियो देख सकते हैं, अगर आपको वीकली प्लानिंग करना है तो यहाँ पे पुट शॉर्ट करके बैठ सकते हो, निफ्टी में बाइंग करके बैठ सकते हो। आपका नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस होगा दैट माइट बी अराउंड 18,800, मगर वो तभी अगर मार्केट नीचे आया तो। बट सर अगर मार्केट नीचे नहीं है तो क्या करना है? देखो यहाँ पे हम वेट एंड वॉच करेंगे कि थोड़ा सा करेक्शन आए। जब मार्केट नॉन ट्रेडेड जोन में चलता है देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट में बाइंग भी आ सकता है, मार्केट में तेजी से सेलिंग भी आ सकता है। तो अभी फिलहाल कोई पोजिशन नहीं बनाना, अभी प्लानिंग एक ही है कि मार्केट थोड़ा सा पॉज करे, फिर अगर अपसाइड मूव देता है तब भी हम एक बाय कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस बनाया था मार्केट यहां तक आए, सपोर्ट लेके अगर अगेन ऊपर जाने की कोशिश करें तब जाके ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम अभी वीकली प्लानिंग में अभी के लिए बाइंग एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि अनसर्टेन है, क्योंकि मार्केट जैसे मैंने बोला नॉट ट्रेडेबल जोन है। अभी तक यहाँ पर मार्केट कभी ट्रेड किया नहीं है, लाइफ टाइम हाई में चल रहा है, तो यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा। ओके आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है सर नहीं मुझे ट्रेड लेना है, मुझे खुजली हो रहा है, मुझे कोई भी टाइप का ट्रेड लेना है, तो आप सिंपल 19,200 का वेट कर सकते हो। नेक्स्ट वीक में अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन यहाँ पे आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हो। मैं यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मैं बस एनालिसिस कर रहा हूँ। 19,200 के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा हम बुलिश मोमेंटम यहाँ पे देख सकते हैं। क्या बोला मैंने? बुलिश मोमेंटम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब तक उसके ऊपर मार्केट रहेगा हम पुट सेल करके जाएंगे, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा दैट इज 200 पॉइंट, 19,000 लेवल का हम स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे। अगर मार्केट सस्टेन कर जाए अपसाइड तो डेफिनेटली हमें नेक्स्ट वीक में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ओके आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यही था हमारा निफ्टी का एनालिसिस, निफ्टी का वीकली प्लान। अब देखते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जिनको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक हमने अपने वॉच लिस्ट में रखा है दैट इज फोर्टिस हेल्थ केयर। इसको पहले ऑब्जर्व करते हैं, प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करते हैं क्या चल रहा है। पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में वी कैन सी मार्केट ने एक्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग दिया है, इसने ब्रेकआउट दे। देखो मैं इसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहा था निफ्टी में कि थोड़ा सा मार्केट पॉज करे, थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ आए, देन अगेन ऊपर जाता है तो बाइंग एंट्री कर सकते हैं। तो ये ज्यादा अच्छा प्राइस एक्शन होता है। देखो एक्जैक्टली इसने क्या किया इस पर्टिकुलर स्टॉक में, नीचे आया, रीटेस्ट किया अपने प्रीवियस लेवल पर, रीटेस्ट करके फिर ऊपर जा रहा है। तो देयर इज अ हाईएस्ट सिनेरियो कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 317 के ऊपर सस्टेन करता है, एक भी स्ट्रॉन्ग डेली कैंडल 317 के ऊपर सस्टेन करता है तो वी माइट सी अ बिगर टारगेट इन द अपसाइड डायरेक्शन। SL यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है 295 के आसपास SL यहाँ पे बैठा सकते हैं, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस टेल करते जाएंगे, राइट। इसको वापस वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं, वन डे टाइम फ्रेम देखिए लास्ट कैंडल ने बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है, तो बस हमें इसके हाई का वेट करना है कि अगर ये 317 के ऊपर सस्टेन कर जाए देन ओनली वी कैन गो फॉर अ बाय ट्रेड। स्टॉक का नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर कीपिंग इन अ वॉच लिस्ट इज एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट को अगेन हम डेली टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, व्हाट इज दिस पैटर्न, और इस पैटर्न को हमने पिछले वीकली वीडियो में भी देखा था, उससे पहले वीकली वीडियो में देखा था, और बहुत सारे स्टॉक अच्छे परफॉर्म किए भी थे।
ठीक है, अब देख लेना कौन से स्टॉक परफॉर्म किया, मैं भी नहीं बता रहा, बूस्टअप करने कोई जरूरत नहीं है मुझे। आज जो लोग फॉलो करते हैं हमारे स्टॉक, आपको पता है हर स्टॉक में मिनिमम 5 to 6% का मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ये स्टॉक 2260 के ऊपर सस्टेन करता है डेली टाइम फ्रेम में, हम यहाँ पे कोई बाइंग का एंट्री पोजिशन बना सकते हैं, कीपिंग स्टॉप लॉस अराउंड दिस लेवल में। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, हम अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके बैठे तो इस कैंडल के लो के नीचे बैठा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस रखना है तो हम यहाँ पे बैठा सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे। ये होगा आपका दूर का स्टॉप लॉस, ये होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, एंट्री जैसे बोला 2260 के ऊपर पॉसिबल एंट्री हो सकता है, तो उस हिसाब से इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अगेन अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें मार्केट स्लो एंड स्टडी लाइफ टाइम हाई तक आ सकता है। अगर मार्केट यहां तक आए तो 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड इजिली मिलेगा, और अगर ये हाई ब्रेक कर देता है तो 1:2, 1:3 का टारगेट भी आने का चांसेस है। तो इस स्टॉक को जरूर अपने वॉच लिस्ट में रखना, राइट। अब नेक्स्ट स्टॉक जो हम देखने वाले दैट इज टेकम। अब टेकम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर रेंज, मार्केट कंटिन्यू साइडवेज जोन में था, देखिए साइडवेज जोन में था, राइट। तो सर अभी फिर इसको क्यों दे रहे हैं, मैं इसको इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, दिल्ली से हाइयर पॉसिबिलिटी की मूव कर सकता है। अगेन आप देखिए, आप लोग कमेंट बताइए कौन सा पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है ये, अगेन उसके अंदर भी सेम पैटर्न बना रहा है, तो मुझे कमेंट बताना पिछले स्टॉक में प्लस इस स्टॉक में टेकम में कौन सा पैटर्न बन रहा है। आप देख सकते हो एक मेजर पैटर्न है, उसके अंदर अगेन सेम पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर ये रेंज ब्रेकआउट होता है 1140 का लेवल हम यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, स्टॉक का नाम अगेन बोल देता हूँ टेकम, 1140 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ बाय साइड मोमेंटम। यहाँ पे बाय साइड मोमेंटम आने के ह्यूज चांसेस हो सकते हैं, और टारगेट क्या होगा 1200 लेवल, 1250, 1275, 300 लेवल, 1300 लेवल यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, मगर हम उस हिसाब से नहीं चलेंगे, हम यहाँ पे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करेंगे। मिनिमम जो हम रिस्क टू रिवॉर्ड लेने वाले हैं दैट इज 1:1, मतलब जितना रिस्क है मिनिमम उतना रिवॉर्ड लेने की कोशिश करेंगे, और अगर मार्केट और भी अच्छा मोमेंटम अपसाइड करता है तो 1:2 भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस टेल करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो आई थिंक ये स्टॉक एनालिसिस आपको क्लियर हो गया, नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे HCL टेक। अब HCL टेक को डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में इसने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ब्रेक किया है स्ट्रॉन्ग कैंडल से, नेक्स्ट वीक इसके ऊपर चला गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी है एकदम यहाँ पे, तो क्या मार्केट यहाँ पे पॉज कर सकता है, मुझे चांसेस कम लग रहा है। चांसेस ये है कि धीरे 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 मार्केट ऊपर चल जाएगा, तो पोजिशनल एंट्री भी यहाँ पे हम बना सकते हैं। अगेन डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, कब एंट्री होगा, कहाँ एंट्री होगा वो देख लेते हैं। इसने जो रिसेंट हाई बनाया दैट इज 1195 के आसपास, तो बस हमें वही हाई मार्क करना है। इफ वी सी 1195 के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टॉक सस्टेन कर रहा है तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ बाय ट्रेड। आई थिंक मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया था लास्ट वीक में, यस लास्ट वीक में इसको डिस्कस किया था, तो लास्ट वीक के बाद भी देखो बहुत अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी मिल चुका है, तो अगेन इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर आपके वॉच लिस्ट में ऑलरेडी है और अगर आपने एंट्री ले लिया, प्लीज कीप स्टॉप लॉस यहाँ पे, यहीं पे स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते हो, और अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आके और ऊपर जाता है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ रख सकते हो, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं लिया है, जो सोच रहे हैं सर यहाँ पे एंट्री ले कि नहीं ले, आप लोग अगेन अपना रीथिंक कर सकते हो, डीपोजिशन यहाँ पे कर सकते हो जब ये हाई ब्रेक करेगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस चैनल में हम कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, यहाँ पे ओनली एनालिसिस पोस्ट हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस करिएगा जरूर, और कभी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। उससे पहले कोई एंट्री नहीं लेना, कहीं पे कोई पोजीशन नहीं बनाना। ओके चलो नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे देखेंगे। अगेन ये स्टॉक है हमारा JSW स्टील मेटल सेक्टर का है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम आते हैं, बहुत मजा आएगा। स्टॉक का नाम है JSW स्टील। देखो ऑलमोस्ट 2021 मई से मार्केट ने जो रेजिस्टेंस बनाया था, जितने भी रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा मार्केट वहीं से फॉल कर रहा। इसने ब्रेकआउट का कोशिश किया था दैट इज इसी साल के जनवरी के आसपास, बट सस्टेन नहीं किया, अगेन फॉल किया, फिर अगेन मार्केट स्लो एंड स्टडी प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा। तो चांस यही है, अगर ये हाई ब्रेक करता है दैट इज 800 लेवल, यहाँ पे प्रॉपरली ब्रेक होता है तो JSW स्टील में बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है, तो वी कैन कीप दिस स्टॉक इन अ वॉच लिस्ट। अब डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल एंट्री कहाँ हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर हम लास्ट वीक का प्राइस एक्शन स्टडी करें, मार्केट पहले नीचे आया एकदम इस लेवल के आसपास, जो मैं निफ्टी में डिस्कस किया कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए,
सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाता तो एंट्री लेना है। मैं इसी चीज को डिस्कस कर रहा था वहां पे, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे आया ऊपर जाता तो एंट्री होगा। तो यहाँ पे देखिए ये पैटर्न हमें देखने को मिला है, दिस इज कॉल्ड अ इनसाइड कैंडल पैटर्न। जब इनसाइड कैंडल बनता है बस आपको सिंपल ये फॉलो करना है, तो इन दोनों का हाई ब्रेक हो रहा है। अगर हमने देखा नेक्स्ट वीक में कोई भी डेली कैंडल, कोई भी ग्रीन कलर का कैंडल इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ बाय साइड ट्रेड। स्टॉप लॉस कहाँ बैठेगा? अगर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बैठाना है, बहुत ही स्ट्रिक्ट, तो इसी कैंडल की जो ग्रेट कलर कैंडल है इसके नीचे बैठा सकते हो। अगर आपको पोजिशनल एंट्री लेना है, अगर आपको बिगर टारगेट के लिए बैठना है, तो बिगर स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस एक पॉसिबल स्टॉप लॉस यहाँ हो सकता है, स्ट्रिक्ट यहाँ होगा। अगर आपको थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके बैठना है, मतलब रिस्क थोड़ा कम रखना है सॉरी, या स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना है, तो वी कैन कीप अ स्टॉप लॉस अराउंड 740 के नीचे, ठीक है। तो ये हमारा पॉसिबल एक स्टॉप लॉस हो सकता है। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। तो एंट्री कहां होगा? जैसे जैसे हाई ब्रेक होता है तो हाई कहां पे है? 790 के आसपास, 791 के आसपास। अगर हमने देखा 790 के ऊपर के पास ऊपर में मार्केट प्रॉपर क्लोजिंग दे रहा है, देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ बाइंग ट्रेड, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टॉक जो देखने वाले, अगेन इट इज आईटी सेक्टर स्टॉक। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक, क्यों लगा वो बताता हूँ। देखो इस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम है विप्रो, नाम बता दे रहा हूँ, स्टॉक का नाम है विप्रो। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, स्टॉक ने सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आया, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर भागा। अब देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम बना रहा है, तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि फर्दर अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। एकदम रेजिस्टेंस के आसपास है और स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग ने यहाँ पे दिया है। और एक और चीज यहाँ पे टेक्निकली बताना चाहूंगा आपको, देखो मार्केट ने पैटर्न फॉर्मेशन दिया प्लस रेंज ब्रेकआउट दिया। जब इस टाइप का सिनेरियो होता है, जब इस टाइप का सिनेरियो होता है, तो इन प्राइस एक्शन जैसे हायर पॉसिबिलिटी यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। तो बस हमें नेक्स्ट दिन का वेट करना है कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 390 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, 390 के ऊपर सस्टेन करता है, कोई डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करता है, तो वी कैन टेक अ बाय एंट्री हियर। हमारा स्टॉप लॉस एकदम इस कैंडल के नीचे रहने वाला, दैट इज अराउंड 375 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। हम 1:1 नहीं तो 1:1 का मिनिमम अपने टारगेट सेट करेंगे, और मार्केट अगर और ऊपर जाता है तो 1:2 का यहाँ पर लेने का कोशिश करेंगे। व्हाट इज 1:1, व्हाट इज 1:2, दे आर कॉल्ड रिस्क टू रिवॉर्ड। हम यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:1 सेट करेंगे, अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो 1:2 भी यहाँ पे ले सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, स्टॉक का नाम वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टॉक जो हम यहाँ पे देखने वाले, दैट इज अ बैंकिंग स्टॉक। अब इसके पीछे प्राइस एक्शन स्टडी कीजिए, निफ्टी में अगेन यही पैटर्न बनाने का मैं कोशिश कर रहा था। यहाँ पे देखिए निफ्टी ने जैसे डे हाई ब्रेक किया है, मतलब एकदम लाइफ टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर भाग रहा है, ऑलमोस्ट निफ्टी भी इसी टाइप के एरिया में है। मैं पे क्या बोला आपको कि मार्केट नीचे अगर आके ऊपर जाता है तो प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बनता है, तो यहीं पे हो रहा। देखो स्टॉक ने क्या किया, एक्सिस बैंक ने क्या किया, हाई बनाया 987 के पास रेजिस्टेंस लिया, स्लो एंड स्टडी नीचे आया, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था वहीं पे सपोर्ट लिया और अगेन रैली कर रहा है। तो बस इसी को रैली को कंटिन्यू कर सकता है। हमने देखा कि निफ्टी भाग रहा है ऊपर, बैंक निफ्टी ऊपर भाग रहा है, तो जैसे अगर दोनों इंडेक्स भागते हैं तो स्टॉक में भी मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पे हमने देखना है इस पर्टिकुलर स्टॉक में 990 लेवल, अगर हमने देखा कि पर्टिकुलर स्टॉक 990 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, उसके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो वी कैन टेक अ बाय एंट्री है। स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है? स्टॉप लॉस आप यहाँ बैठा सकते हो। परसेंटेज वाइज देखे तो स्टॉप लॉस कितना हो सकता है? 3-4% का स्टॉप लॉस है, दैट इज एकदम परफेक्ट, कोई ज्यादा स्टॉप लॉस है नहीं। जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेना चाहिए जनरली दैट इज 5-7%, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम करता है, अगेन वी कैन सेट अ टारगेट ऑफ 1:1, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड जो मेंटेन करेंगे 1:1 रहेगा, नेक्स्ट रिस्क टू रिवॉर्ड विल बी अराउंड 1:2। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा 1:2 सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे पता चलेगा? देखो आपको जब भी कोई ऐसा स्टॉक मिल रहा है जो आपको पैसा बना के दे रहा है, उसको लेके बैठे रहो और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो। अगर मार्केट में मोमेंटम आना है, वो इतना तेजी से मोमेंटम करेगा आपको एंट्री करने नहीं देगा। तो एक बार आप एंट्री कर लो, अगर एक बार एंट्री कर लो तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, जितना तक मार्केट जाता है आराम से मोमेंटम कैच करते रहो। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो यहां तक थे हमारे कुछ स्टॉक जिनको अपने एनालिसिस किया, एंट्री लेवल देखा। इसके अलावा कुछ और भी स्टॉक है, 4-5 स्टॉक और है, आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। अब इन स्टॉक को अच्छे से एनालिसिस कीजिए। इनमें से कुछ स्टॉक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसको हमने पहले भी एनालिसिस किया था और इसमें ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल के आसपास है बैंक ऑफ बड़ौदा। बस दिखा देता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी सपोर्ट लेवल के आसपास है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये फर्दर ऊपर जाता है तो अगेन यहाँ पे री एंट्री हो सकता है,
इसके अलावा और भी फोर स्टॉक हैं, आपने नाम अभी तक देख लिया होगा, तो आप उनको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर वहां पे आपको कोई पॉसिबल एंट्री मिलता है तो यू कैन टेक एन एंट्री अप टू योर डिसीजन, अपना डिसीजन लेके। ठीक है, आई होप यहां तक आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक में भी जरूर पेज को लाइक कर लेना। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर रेगुलर बेसिस में निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी एनालिसिस दिया जाता है, साथ ही साथ स्टॉक एनालिसिस भी देते हैं हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।